हेलो स्टूडेंट्स, आप रटना भूलें निकालना सीखें। आज हम लोग देखेंगे कि एक रेडियन का वैल्यू कितना होता है। जैसे हम लोग रटते थे कि एक रेडियन बराबर 57 डिग्री फलाना मिनट फलाना सेकंड, वो रटना छोड़ें। अब आज हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे कि एक्चुअली में 1 रेडियन कितना डिग्री और कितना मिनट और कितना सेकेंड होगा, फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ। अब एक बात बताओ कि आपको क्या पता है। आपको एक बात पता जरूर है कि पाई रेडियन जो होता है कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर है? अगर हम 1 रेडियन अगर देखें तो 180 बाय पाई हो जाएगा। इसीलिए अगर हमको डिग्री में बदलना है रेडियन को, कहा जाता है 180 बाय पाई से गुना कीजिए, क्योंकि 1 रेडियन क्या होता है, 180 बाय पाई से। अगर हमको इसको और बढ़ाएं तो 180 बटा यहाँ क्या हो जाएगा, 22/7 हम कर सकते हैं। ठीक है, तो और अगर हम बढ़ाएं तो अगर 180 और नहीं कुछ है ये इस फ्रैक्शन के नीचे तो 1 है, और ये फ्रैक्शन पलट करके 7 बाय कितना हो जाएगा, 22। तो अगर हम इसको काटने की कोशिश करें तो देखिए ये कट रहा है। क्या कट रहा है, दो बार कट रहा है, 11 × 2 = 22 और 2 × 9 = 18। 2 × 9 = 18, तो 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 9 × 7 = 63, यानी 630 बटे 11। अब इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड करके देखेंगे। तो हम देखते हैं बीच वाला पोर्शन को हम रफ के लिए इस्तेमाल रखते हैं। तो अगर हम 11 को 630 से डिवाइड करें, 630 से डिवाइड करें तो 11 × 5 = 55, क्योंकि 6 से ज़्यादा हो जाएगा, 11 × 5 = 55, तो 55 हुआ। तो अगर हम ये 13 में से 5 चला गया तो क्या हो जाएगा, 8, यहाँ बचा कैंसिल, तो ये हो गया 80। 11 × 7 = 77, 7 बार चल सकता है, तो ये हो गया 11 × 7 = 77। यहाँ पे 10 में से 7 चला गया, क्या हो गया, 3, और ये हो गया कैंसिल। यानी इसको अगर हम लिखना चाहें तो 1 रेडियन = हम क्या लिख सकते हैं, 57 °+3/11 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 3/11 क्या है, डिग्री है। 57 °+ क्या है, 3/11 डिग्री है। तो अगर हम देखना चाहें तो 1 रेडियन बराबर 57 °+3/11 डिग्री है। तो डिग्री को मिनट में बदलने के लिए यहाँ कहीं ना कहीं 1 डिग्री छुपा हुआ है, तो 1 डिग्री के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, मिनट में आ गया। अब हम इसको और आगे बढ़ाएं तो 57 डिग्री हो गया और 6 × 18 = 180 बटे क्या हो गया, 11, ये कितना हो गया, मिनट में आ गया। क्लियर है? तो अगर 180 को अगर हम 11 से डिवाइड करें बाबू, तो 11 × 11 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ये करें 3/11, ठीक है, क्लियर है? तो 11 × 11, 8 में से 1 चला गया 7, ये कैंसिल, ये हो गया 70, और 11 × 6 = 66, यानी 6 बार चलेगा, तो ये हो गया 10 में से 6 चला गया 4, और ये हो गया 7 में से 6 चला गया, ये हो गया कैंसिल। यानी इसको अगर हम लिखना चाहें तो 1 रेडियन = 57 डिग्री तो लिखा गया, लेकिन इसको अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ क्या लिखेंगे, 16 मिनट प्लस और कितना हो जाएगा, 4/11 मिनट हो जाएगा। अब देखो 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री तो आ गया और 16 मिनट भी आ गया। अब इसको हम 1 मिनट में अगर 4/11 को अगर हम सेकंड में बदल लें तो 1 मिनट कहने यहाँ छुपा हुआ है, 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकंड, यानी ये हो गया आपका सेकंड में। अगर 1 रेडियन बराबर देखेंगे तो 57 °+16 मिनट और ये इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 × 0 = 6 × 24 = 240/11, ये ओवरऑल क्या है, सेकंड में है। फिर 11 को 240 से अगर हम डिवाइड करें, 11 को 240 से 2 बार चलेगा, 11 × 2 = 22, 4 में से 2 चला गया, 2 यहाँ आ गया, यहाँ 0, 11 को फिर 1 बार चलाएंगे तो यहाँ 1 बार में चलेगा, तो 10 में से 1 चला गया, 9 यहाँ बचा कैंसिल, पॉइंट लाएंगे तो यह हो जाएगा 90, तो 11 × 8 = 88 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बढ़ाए 21 पॉइंट, यानी इसको और आगे बढ़ाएं तो 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री
16 मिनट और आपको क्या होगा 21.8 सेकेंड, यानी 1 रेडियन इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 57 डिग्री 16 मिनट और 21.8 को अगर राउंड करें तो हम इसको 22 सेकेंड लिख सकते हैं। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो गया बाबू, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड। ये रटना नहीं है, ये क्या है डिराइव करना सीखिए ताकि आगे कभी भी किसी तरह का क्वेश्चंस हो हमको हम पीछे न हो जाएं, हम आंसर देने के लायक रहें। ठीक है, तो कोई भी मैथमेटिक्स में दुनिया में कोई ऐसा मैथमेटिकल टर्म्स नहीं है जिसका डेरिवेशन नहीं है, ये दिमाग में आप भर लीजिए, हर चीज़ का डेरिवेशन है। हाँ, हम नहीं डिराइव कर रहे हैं, हो सकता है मेरा लैक ऑफ नॉलेज है या हम प्रॉपर वे में नहीं समझाना चाह रहे हैं, इस वजह से हो सकता है कि हम डिराइव नहीं करें, लेकिन ऐसी नई बात नहीं है, डेरिवेशन हर चीज़ का अवेलेबल है। तो आज से आप 1 रेडियन बराबर क्या जान गए, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड कैसे आया यह आपको पूरी तरीके से हम एक्सप्लेन कर लिए। चलिए एक बार नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए एक बार। चलिए फिर